अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हमने ली थी एम्ब्रॉयडरी मशीन, ठीक है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं अभी तक की। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको बताऊं मैंने कहाँ से बाई की, कितने में बाई की और ये कैसी चल रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो काफ़ी अर्से के बाद वीडियो डाल रही हूँ, मैंने सोचा क्यों ना आज आपको जो है ना मैं एम्ब्रॉयडरी मशीन पर काम करके दिखाऊँ कि मैं इस पर आखिर करती क्या हूँ। मैं इस पर लगाती हूँ पैचेस, ठीक है, बाहर से काम करवाना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होती है। तो ये देखें, ये पैच है एक, ये दामन है, ये जो है इसका नेकलाइन है। तो ये मैं आपके सामने जो है ना ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले जो है ना चलें नेकलाइन से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, तो देखें ये ना मेरी, मैंने इसको टांके को फिक्स कर लिया, ये अभी कंप्लीट सेटिंग नहीं है इसकी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस पर काम कर लेती हूँ। तो चलें आपके साथ देखती हूँ मैं, आपको समझ आता है कि नहीं। पहले सबसे मैं जो है ना ये इसका गला अटैच करूँगी, ठीक है, ये देखें। टांका इसका सेट है, बस आपने कपड़े को बहुत मजबूती से होल्ड करना है और धागे को आपने मैच करना है, क्योंकि यहाँ इसमें फ्रेम नहीं लगेगा, ये फ्रेम के बगैर ही लगेंगे, और इसलिए आपको कपड़े को बड़े तरीके से होल्ड करना होगा। मैंने अभी इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है ली, तो मैं इसको खुद ही कर रही हूँ, जैसे भी हो रहा है। मेरी ये सर्टिफिकेशन है, मैं इसको सीखा मैंने इसको। अच्छा, गला जो है ना वो लग चुका है, अब जो है ना करेंगे दामन जो घेर है हमारा, ठीक है। तो सॉरी, धागा नहीं कर गया, इसको ज़रा लगा नहीं, धागा नहीं है, सॉरी, ये तिल्ला है, ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ से जो है ना एम्ब्रॉयडरी है, हम सेम उसी कलर का इस पर थ्रेड यूज़ करेंगे। अगर वो तिल्ला है तो तिल्ला यूज़ करेंगे, अगर वो धागा है तो फिर हम धागा ही यूज़ करेंगे। तो ये देखें, ये ऐसे मैंने रखा, ठीक है, अभी तो मेरी मशीन सेट नहीं है ना इतनी, लेकिन फिर भी मैं इस पर काम कर लेती हूँ, गुजारा हो जाता है। जो जो ही कभी टाइम निकलता है, मैं सबसे पहले इसको सही करवाऊंगी। ये टांका फिक्स है इसका एक जगह पे, यानी छोटा बड़ा नहीं हो सकता, एक जगह पे फिक्स करेंगे तो ये इन्हीं टांके पे ये चलेगी। अगर वो हमारी सेटिंग हो जाती है, इसको लग जाता है, बोडा लग जाता है इसको, या बोली बोलते हैं, वो तो शॉपकीपर ने ही बोला था कि वो लगेगा, ठीक है, अगर वो लग जाता है तो फिर जो है ना इस पर मज़ा आएगा काम का। और अब मैं इसकी देखें, ये थोड़ा सा सीक्वेंस वाला है, ये देख रहे हैं आप, आई होप कि नज़र आ रहा हो, ये देखिए सीक्वेंस वगैरह, ये हमने ध्यान से लगाना है ताकि कोई ना स्टोन जो है वो इसकी सुई के नीचे आ गए ना, तो वो डैमेज ना कर दे कोई चीज़, ठीक है। तो इसको लगाना स्टार्ट करते हैं, फिर इन दोनों को जो है ना हम काबिया कर लेंगे, काबिया भी मैं आपको दिखा दूँगी, आपके सामने, ठीक है। सॉरी, ये देखें, ये मैंने इसको फिट नहीं था ना किया, तो ये स्ट्रेट आ रहा था, अब मैं इसको जिगजैग पे जो है ना वो फिट कर लूँगी, तो कि वो मैंने बताया था ना आपको कि मेरा इसका गोड़ा नहीं लगा हुआ, तो वो जब तक नहीं लगता तब तक ही ऐसे ही चलेगा, फिट कर फिक्स करके इसको टांके को ना। अब इसका प्रॉपर जो है वो जिगजैग बन रहा है, हमने बस डायरेक्शन दे दी होती है, तो ये स्टिचेस जो है वो खुद ही उठा लेता है। जब से मैंने ये बाई की है, मेरा वो ज़्यादा जो है ना टाइम सेव होता है इससे। एक दफ़ा तो हम शॉप पे जाते हैं, इसको दे के आते हैं, फिर उसे ले के आए, फिर क्लाइंट का सूट रेडी करें, तो इस तरह से जो एक्सेसरीज हमारी अपनी हो, मशीन भी हमारी अपनी हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होता है और इसमें अर्निंग भी होती है, दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मैं कभी भी जो है ना इसको सेट करवाऊँगी, प्रॉपर इसकी फिटिंग करवाऊँगी कारीगर को बुलवा के, तो फिर भी मैं जो है ना इसका आपके साथ शेयर करूँगी कि ये अब कैसी है। अब तो टाइम गुजारा हो रहा है मेरा, अच्छा गुजारा हो रहा है, अच्छा खासा गुजारा हो रहा है। हाथ ज़रा आपने बचा के रखना है,
ताकि आपके हाथ के ना सुई ना ये स्टोन निकल आया ना सुई के लगने से, आई थिंक सुई का जो टिप है ना नीडल की जो होती है वो भी डैमेज हो गई है, लेकिन हम इसी से काम चलाएंगे अभी क्योंकि और भी स्टोन है तो क्या होता है और भी नहीं चढ़ाने वो भी डैमेज हो गए, इसलिए हम जो है इसी से काम चलाते हैं। पैचिस की जो शेप होती है वो ऑलरेडी उन्होंने दी होती है तो उसको इतना मुश्किल नहीं होता है उसको शेप देना, कुछ पैचेस का होता है जिसको प्रॉपर शेप देनी पड़ती है, इस तरीके से फ्लावर की शक्ल नहीं होती है। ये देखें इसके नीचे जो है वो लॉक वाला मोती है, ये देखें नीचे नज़र आ रहा है, तो यहाँ से हमने जो है ना बचा के निकलना है, ठीक है। ज़रा इसकी स्पीड स्लो कर लेते हैं, वैसे भी स्लो ही काम कर रही है लेकिन और स्लो कर लेते हैं। यार वेडिंग सीजन में इतना रश होता है, इतना रश होता है कि आपके पास वीडियोस बनाने का भी टाइम नहीं होता, लेकिन फिर इतने मज़े मजे के ड्रेसेस बनते हैं इस सीज़न में, ये भी करता है कि सारा कुछ आपसे शेयर किया जाए, लेकिन अफसोस के टाइम की कमी होने की वजह से जो है ना वो फिर नहीं हो पाता, रह जाती हैं चीज़ें। तो ये हम निकाल लेंगे यहाँ से, बाकी जहाँ जहाँ से बच सकता है हम इसको बचाएँगे, तोड़ेंगे नहीं, अपना इसको काटेंगे। जो मैं तिल्ले से लगा रही थी वो काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी मुझे, क्योंकि तिल्ला जो था ना वो बड़ी कॉन थी और बड़ी कॉन के ऊपर से इसके ऊपर स्टैंड भी नहीं लगा हुआ, अभी प्रॉपर इसकी सेटिंग नहीं है मुझे, तो बार बार जो है ना तिल्ले का धागा इकट्ठा हो रहा था तो इस वजह से वो बड़ा मसला कर रहा था, लेकिन ये नलकी है छोटा है तो ये परफेक्ट हो जाता है, एक बार भी इसमें जो है ना धागा नहीं खोला, ठीक चल रहा है, जस्ट हमने शेप्स को ही फॉलो करना है। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनमें फिर से टूट गया, देखें मैंने अभी अभी बोला कि ये टूटा ही है तो ये फ़ौरन से ही टूट गया है, लेकिन खैर जो ही मशीन की ट्यूनिंग हो जाएगी तो ये इंशाल्लाह जो है ना बहुत ही परफेक्ट चलेगी, बहुत ज़्यादा मज़े की चलेगी। ये देखिए ये लग चुका है, ठीक है, ये देखिए ये प्रॉपर सारा फिक्स हो चुका है, तो इसको कामयाब करेंगे, उसके बाद इसको ना क्लाइंट के हवाले कर देंगे जिसका ये हम क्लाइंट करेंगे, हम बस इसको पैच ही करा देते हैं।